चलिए बढ़ते आगे, जहां कृषि मंत्री कविपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत प्रतापनगर, छछरौली और जगाधरी शहर में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी, मौके पर उनका समाधान भी किया। कविपाल गुर्जर ने मौके पर मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के काम में कोई लापरवाही न बरती जाए। कृषि मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सोमवार और शुक्रवार को वो जनता के बीच रहकर जनता की समस्याएं सुनते हैं, साथ ही उनका प्रयास रहता है कि उनके सामने रखी गई सभी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि जिला शासन के लगाए गए समाधान शिविर में भी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। नहीं देखिए, दोनों का एक ही है लक्ष्य, तो लोगों की समस्याओं का समाधान करना। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारे जो अधिकारी हैं वो सुबह 9 से 11 तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे, और हम भी विधायक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी है, तो मैं हर शुक्रवार को पहले से ही लगाता हूँ। हर शुक्रवार को मैं सुबह खिजराबाद प्रतापनगर बैठता हूँ, और फिर उसके बाद छछरौली बैठता हूँ, उसके बाद यहाँ नगर निगम बैठता हूँ। तो जो लोगों की समस्या है वो थोड़ा आसानी रहती है, हालांकि मेरा रेगुलर ही है कि सोमवार को और शुक्रवार को मैं लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। अच्छी आउटपुट आ रही है, लोग सेटिस्फाई हैं इससे, और बहुत समस्याओं का समाधान होता है। इसमें से क्षेत्र हमारे लिए बहुत शुभ है, और हम कुरुक्षेत्र से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव तो थोड़ा ही टाइम है, तो वो वहाँ से शुरुआत करेंगे।